भिवाड़ी पुलिस ने गत दिनों गायब हुए ट्रक के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही ट्रक भी बरामद कर लिया गया। इस मामले में ट्रक मालिक ने माल सहित एक ट्रक चोरी होने की झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश की थी। भिवाड़ी फेज 3 पुलिस ने गत दिनों गायब हुए ट्रक को बरामद करते हुए ट्रक को गायब करने के मामले में ट्रक मालिक और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। SHO शिवराम ने बताया कि गत 20 नवंबर को SRF कंपनी के मैनेजर आशीष पासबोला ने थाने में मामला दर्ज करवाया था कि 17 नवंबर को उनकी कंपनी से 228 गैस सिलेंडर भरकर फरीदाबाद के लिए रवाना किया गया था, जो फरीदाबाद नहीं पहुंचा। मैनेजर ने रिपोर्ट में ट्रक ड्राइवर और ट्रक मालिक के खिलाफ माल को खुर्द फुर्द करने का आरोप भी लगाया था। वहीं ट्रक ड्राइवर लुकमान और ट्रक मालिक मुबारक ने भी थाने में माल से ट्रक चोरी होने की झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश की। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ट्रक को ग्रेटर नोएडा से बरामद कर लिया, जिसमें से सिलेंडर गायब मिले। कड़ी पूछताछ में ड्राइवर ने मालिक और अफजल नाम के एक युवक के साथ मिलकर माल को खुर्द बुर्द करने का गुनाह कबूल कर लिया। 17 को SRF कंपनी के चीफ मैनेजर ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मैंने ट्रक में 228 गैस सिलेंडर फरीदाबाद के लिए रवाना किए थे दिनांक 17 को, जो अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे। इस रिपोर्ट दर्ज करके एक टीम गठित की गई श्री सत्यनारायण सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में। उसमें टीम ने लुकमान ड्राइवर, मुबारक ट्रक मालिक और अशरफ जो इनका सहयोगी है, इन तीनों ने प्लानिंग करके और ट्रक को लावारिस जगह पर खड़ा कर दिया और माल को फुर्द करके छुपा दिया। आज इनको गिरफ्तार किया गया है। ट्रक को पूर्व में लावारिस अवस्था में जब्त कर लिया गया है और सिलेंडरों के बरामदगी के प्रयास जारी। इन्होंने भी सर कोई रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश की और कोई चोरी वगैरह? तारीख 19 को ट्रक मालिक ने एक FIR चोरी की दर्ज कराने का असफल प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। वहीं पुलिस अब गायब माल की बरामदगी में लगी है।